हाई गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा योर बायोलॉजी टीचर। लास्ट वीडियो में हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ ब्रीदिंग देख चुके थे, उसका ओवरव्यू ले चुके थे। आज हम लोग बच्चों बात करने जो वाले, वो ध्यान से सुनेगा। हम लोग बात करेंगे इंस्पायरेशन की पूरा डिटेल में, ठीक। फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सपायरेशन। देखो इंस्पायरेशन क्या है, आपको बताया था इनहेल ऑफ एयर। इंस्पायरेशन क्या है, इनहेल ऑफ एयर, ठीक है। ये एक तरह का एक्टिव प्रोसेस होता है, मतलब इसमें हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, एक्सपेंडिचर होता है एनर्जी का। दूसरा, इसमें कौन कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है, ये क्वेश्चन आता है। तो आप बताओगे फ्रेनिक मसल, जो कि डायफ्राम में प्रेजेंट होती है। डायफ्राम बताया था यहाँ पर होता है, तो डायफ्राम में फ्रेनिक मसल होती हैं, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल EICM, मैंने कल ही बताया था, मतलब लास्ट वीडियो में बताया था। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो मसल होती हैं वो, और डायफ्राम की फ्रेनिक मसल, ये दोनों इन्वॉल्व होती हैं इंस्पायरेशन के प्रोसेस में, और इसमें एनर्जी खर्च होती है, इसलिए इसे एक्टिव प्रोसेस बोल रहे हैं। काम क्या है, इनहेल करना है एयर को। कैसे होगा वो पूरा मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। शुरुआत में ये बैकबोन है, ये स्टर्नम है, यहाँ पे छोटा सा डायफ्राम है, इस तरह से है। हमें क्या करना है, स्टर्नम को ऐसे करके मूव करा दो, जिससे क्या होगा कि रिबकेज एक्सपेंड हो जाएगा। उद्देश्य है इनहेल करना है। इनहेल कब होगी, जब आप लंग्स पर लगने वाला प्रेशर रिड्यूस कर दोगे। लंग्स पर जो प्रेशर लग रहा है ना, उसको रिड्यूस कर दो। लंग्स पे लगने वाला प्रेशर जब कम हो जाएगा तो एयर आराम से आ जाएगी। सोचिए, देखो गुब्बारा है आपके हाथ में, आपने इस गुब्बारे को ऐसे दबा रखा है, क्या एयर फूंक मारोगे एयर जाएगी, नहीं जाएगी। आप क्या करो, गुब्बारे को ऐसे ढीला कर दो और ऊपर से फूंक मारो तो गुब्बारा फूल जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो बलून को फुलाने के लिए बलून पे लगने वाला प्रेशर कम करना पड़ेगा, तभी तो एयर अंदर जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अब बात आती है होता कैसे। सबसे पहले ब्रेन डायफ्राम पर सिग्नल सेंड करता है, सबसे पहले ब्रेन डायफ्राम पर अपना सिग्नल सेंड करता है कि डायफ्राम तुम बेटा कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। तो डायफ्राम बोला अच्छा ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। डायफ्राम डोम शेप होता है, इसकी मसल्स ऊपर की तरफ हैं, तो जब ये ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ये फ्लैट हो जाएगा। डायफ्राम ऐसा है, इसमें ऊपर की तरफ मसल है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो डायफ्राम डोम से फ्लैट हो जाएगा। डोम से फ्लैट क्या बताया मैंने, कि सबसे पहले ब्रेन सिग्नल सेंड करता है डायफ्राम को, और डायफ्राम से कहता है तुम्हारी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो तुम कैसे हो जाओगे फ्लैट। डायफ्राम बोला बिल्कुल मैं ऐसा कर दूंगा, तो वही हुआ। ब्रेन सेंड सिग्नल टू द डायफ्राम, फ्रेनिक मसल ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, डायफ्राम बिकम डोम शेप, सॉरी गलत लिख दिया है, फ्लैट। सही कर देते हैं हम इसको, कैसा हो जाएगा फ्लैट, डायफ्राम बिकम फ्लैट। डायफ्राम तो ऑलरेडी डोम शेप होता है, ठीक है। एक काम कर दिया, सबसे पहला क्या करा, ब्रेन का सिग्नल आया डायफ्राम पर, डायफ्राम की मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई और डायफ्राम डोम से कैसा होगा फ्लैट। एक काम कर लिया, डायफ्राम का मूवमेंट करा दिया, अब किसका मूवमेंट कराएंगे, स्टर्नम का। देखो डायफ्राम जो नीचे था ये वाला, इसको तो मूव करा दिया, इसको कैसा करा दिया, ऐसा फ्लैट करा दिया। अब किसका मूवमेंट कराएंगे, स्टर्नम का। अब ध्यान से सुनो, स्टर्नम का मूवमेंट कैसे हुआ, स्टर्नम ऐसा है, देखो ध्यान से, स्टर्नम की पोजीशन ये है। अब स्टर्नम ऐसे करके ये जाएगा, स्टर्नम ऐसा है, वो ऐसे करके ये जाएगा। तो अगर आप देखो तो स्टर्नम आगे जा रहा है, आगे भी जा रहा है, बाहर भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, ठीक है। तो स्टर्नम आगे जा रहा है, और आगे का मतलब बाहर जा रहा है और ऊपर की जा रहा है। तो ऊपर जाने को बोलेंगे अपवर्ड, आगे जा रहा है तो फॉरवर्ड, और बाहर की तरफ जा रहा है तो आउटवर्ड। तो मूवमेंट होगा स्टर्नम का कैसा, इधर लिखा है देखो, स्टर्नम मूव करेगा अपवर्ड, आउटवर्ड, फॉरवर्ड। हम स्टर्नम को मूवमेंट कराना है ऐसे, इस मूवमेंट को बोलते हैं अपवर्ड, आउटवर्ड, फॉरवर्ड। सॉरी, अपवर्ड ऊपर हो गया, आउटवर्ड बाहर, और इधर ही फॉरवर्ड है, ठीक। तो हमें स्टर्नम को मूव कराना है अपवर्ड, आउटवर्ड, फॉरवर्ड, लेकिन ये कराएगा कौन, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो यहाँ बीच में प्रेजेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट होके कराएंगे। तो देखो सबसे पहले ब्रेन सिग्नल सेंड करेगा डायफ्राम को, डायफ्राम कैसा हो जाएगा फ्लैट, क्यों, क्योंकि इसकी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, नाम है फ्रेनिक मसल। डायफ्राम का मूवमेंट करा दिया, अब स्टर्नम का मूवमेंट कराना है अपवर्ड, आउटवर्ड, फॉरवर्ड, वो किसकी मदद से होगा, EICM की मदद से, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये मूव कर जाएगा। और इन दोनों के मूव करने से, ये भी मूव कर गया, ये ऐसा हो गया, स्टर्नम ऐसा हो गया, इन दोनों के मूव करने से क्या होगा, रिबकेज एक्सपेंड हो जाएगा। रिबकेज कैसा हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, लंग्स पे लगने वाला प्रेशर कम हो जाएगा, एयर अंदर आ जाएगी। समझा, ये हो गया इंस्पायरेशन। फिर से सुनो, उद्देश्य है एयर अंदर आए, कैसे आएगी, जब रिबकेज को फैलाओगे, लंग्स पर प्रेशर कम करोगे। तो रिबकेज कैसे फैलाएं, लंग्स पर प्रेशर कम कैसे करें, उसके लिए क्या करना है,
हमें दो चीज़ का मूवमेंट कराना है, एक डायफ्राम का एक स्टर्नम का। इसका कैसे होगा, ब्रेन सिग्नल सेंड करेगा डायफ्राम पे, ये कैसा हो जाएगा फ्लैट, क्यों, क्योंकि फ्रेनिक मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। उसके बाद क्या होगा, EICM कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ये मूव करेगा अपवर्ड आउटवर्ड फॉरवर्ड, रिबकेज एक्सपेंड होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर लंग्स पर डिक्रीज होगा, एयर इनहेल हो जाएगी, सिंपल इंस्पायरेशन कंप्लीट हो गया। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।